जय हिंद बच्चों स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा अच्छा बारह के विद्यार्थियों के, के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा चलिए देना करते पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रथम गोल में सम्मेलन का काल था यानी प्रथम गोल में सम्मेलन का समय था तो ये आप सही जवाब बच्चों गद्दा हो जाएगा उन्नीस सौ तीस से उन्नीस तक चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नमक कानून कब तोड़ा गया दूसरा क्वेश्चन है दूसरा का नमक कानून जो है कब तोड़ा गया तो ये जो है पाँच अप्रैल उन्नीस को देखो बच्चों ये सब क्वेश्चन कम्पटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं नौकरियों के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नमक कानून कब तोड़ा गया उन्नीस पाँच अप्रैल उन्नीस सौ ईस्वी को गांधी जी ने कांग्रेस से किस वर्ष त्याग पत्र दिया था गांधी जी ने कांग्रेस से किस वर्ष जो है त्याग पत्र दिया था तो सही जवाब क्या जाएगा उन्नीस सौ चौंतीस ईस्वी में उन्नीस चौंतीस ईस्वी में जो है त्यागपत्र दिया था वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था तो वर्धा जो है प्रस्ताव कब पारित हुआ था आपको बताना है तीन के बच्चों सही जवाब सा हो जाएगा चौदह मई उन्नीस सौ चालीस ईस्वी को चौदह मई उन्नीस सौ चालीस ईस्वी को वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सबने अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ तो बच्चों मार्च उन्नीस ईस्वी में मार्च उन्नीस ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ देखो लगातार कई वर्षों पर छाउ पूछा जा रहा है हर एक कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था तो बच्चों अगस्त उन्नीस ईस्वी में अगस्त उन्नीस ईस्वी में दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात है कि दांडी यात्रा जो है कब प्रारंभ हुई तो बच्चों 12 मार्च उन्नीस सौ तीस ईस्वी को दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की गई महात्मा गांधी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया महात्मा गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था तो आठ सही जवाब बच्चों बा हो जाएगा द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है किस वर्ष लौटे तो नौ का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा आ हो जाएगा वर्ष उन्नीस ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया देखो लगातार तीन चार वर्षों पर छाउ पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ है किया तो दस सही जवाब आ हो जाएगा 1920 ईस्वी में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं था कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं था तो होम रूल आंदोलन ये गांधी जी से संबंधित नहीं था देखो बच्चों असहयोग आंदोलन गांधी जी से संबंधित है सबने अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी से संबंधित है लेकिन होम रूल आंदोलन ये नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी देखो लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है एक दो तीन चार पाँच छः सात वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में बच्चों ये कक्षा बारह के विद्यार्थियों के इतिहास का ही चैप्टर ग्यारह रहेगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना ए ओ होम ने की थी एक अंग्रेज डिटायल अधिकारी ने अठारह सौ ईस्वी में इसकी स्थापना जो है हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है अगला क्वेश्चन है बच्चों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये जो है कब आयोजित किया गया था दो तो तीन गोल्ड गोल्डमेर सम्मेलन ये उन्नीस सौ में जो है आयोजित किया गया था मुस्लिम लीग ने उप महाद्वीप के मुस्लिम बहुल इराकों के लिए कुछ स्वायत्ता की मांग की कब की थी चार ऑप्शन आप आपके सामने दिया गया है सही जवाब जो है सा हो जाएगा। मार्च उन्नीस सौ 1940 में ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का जो है प्रकाशन किया था ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था किसने तो पंद्रह का सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ था उन्नीस सौ ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन उन्नीस सौ ईस्वी में आयोजित हुआ था जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को जलियावाला बाग हत्याकांड तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को अमृतसर में हुआ था अमृतसर कहा बच्चों पंजाब में स्थित है और जलिया वाला बाग पर गोली किसने चलवाई थी जनरल डायल ने गोली चलवाई थी हिंद स्वराज पुस्तक निम्न से किसने लिखी है हिंद स्वराज पुस्तक जो है निम्न में से किसने लिखी है तो बच्चों महात्मा गांधी सही जवाब जो है दा हो जाएगा महात्मा गांधी ने लिखी है जलियावाला बाग स्थित है अभी हमने बच्चों बताया कि अमृतसर में स्थित है अमृतसर कहाँ है पंजाब में है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किसने कहा था कि मेरे जीवन का या अंतिम संघर्ष होगा किसने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किसने कहा था कि मेरे जीवन का अंतिम जो है संघर्ष होगा तो ये बच्चों जो है महात्मा गांधी ने कहा था जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है तो बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है किस मिशन भारत कब आया अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किस मिशन भारत कब आया तो उन्नीस सौ ईस्वी को किस मिशन भारत जो है उन्नीस सौ ईस्वी को आया था सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था तो उन्नीस सौ सात से सूरत सात से सात देखो ट्रिक्स याद कर लेंगे सात यहाँ सा भी यहाँ भी है सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था उन्नीस सौ सात ईस्वी में माई एक्सप्रीमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन है देखो लगातार बच्चों तीन चार वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है माई एक्सप्रीमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन है तो ये जो है महात्मा गांधी जी हैं सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा महात्मा गांधी जी है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अभी हमने बताया बच्चों 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था साइमन कमीशन भारत का आया था साइमन कमीशन जो है भारत का आया था तो उन्नीस सौ अट्ठाईस में साइमन कमीशन जो है उन्नीस सौ अट्ठाईस ईस्वी को भारत आया था और इसके उसका जो है पूरे भारत में जो है नारे लग गो बैक साइमन वापस जाओ के पूरे भारत में नारे लगाए गए बहिष्कार किया गया जो है महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था देखो क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंस महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था तो बच्चों सुभाष चंद्र बोस सही जवाब आ हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था तो सही मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने रोलेट एक्ट कब पारित रोलेट एक्ट कब भारत आया था रोलेट एक्ट कब भारत है आया था सही सो जाएगा उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी को